नीतीश सरकार के निर्देशानुसार 14 चक्का वाहनों पर प्रतिबंध है और उस पर बालू गिट्टी की ढुलाई भी नहीं करनी है, लेकिन इसका खुलेआम धज्जिया शेखपुरा में उड़ाया जा रहा है। मामला है शेखपुरा के शेखोपुर सराय का, जहां पुलिस थाने के आगे से दर्जनों 14 चक्का ट्रक खुलेआम रोज बालू की ढुलाई करते हुए निकलती है, लेकिन पुलिस सिर्फ गिनी चुनी गाड़ियों को ही पकड़ती है। वहीं आज सुबह भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जहां ओनमा गांव के पास एक अनियंत्रित बालू लदा ट्रक गड्ढे में पलट गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई। वहीं ट्रक संख्या BR53G8321 पलटने की सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन शेखोपुर सराय पुलिस बिना कोई कार्रवाई किए घटनास्थल पर से लौट गई। इसका मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही ट्रक मालिक अपने ट्रक को JCV के सहारे निकाल कर ले गया और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। गौरतलब हो कि बिहार सरकार की पुलिस भी ऐसे अंदाज में काम करती है और माफियाओं को संरक्षण के साथ साथ प्रोटेक्शन देने की बात भी लोग कह रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को जरूरत है कि बालू माफिया और ट्रक माफिया पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस के जवान जो शेखोपुर सराय में तैनात हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि नियमों का उल्लंघन ना किया जाए। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।